एवरीवन, वेलकम टू जिंदगी विद सैब। इस हफ्ते की सबसे चर्चा में रही है जो न्यूज, वो है राजू श्रीवास्तव का निधन। मजेदार चुटकुले और कॉमेडी से सबको हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। जिम में वर्कआउट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें हार्ट अटैक आया था। 40 दिन से अधिक समय मौत से जंग लड़ने के बाद 58 इयर्स की उम्र में 21 सितंबर उनकी मौत हो गई। उनके निधन के खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। चेनाब आर्क ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अब ब्लास्ट प्रूफ हो चुका है विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ। हिस्ट्री में आप कोई भी वॉर उठा के देख लीजिए, ब्रिज डिस्ट्रॉय करना एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस ऑप्शन होता है किसी भी मिलिट्री के पास। पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में चेनाब नदी पे चेनाब रेल ब्रिज बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था दिसंबर 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। और फाइनली उम्मीद ये है कि इस साल के दिसंबर में ये ब्रिज प्रॉपरली ओपन हो जाएगा और लोग इसको यूज कर पाएंगे। ये प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर की पूरी इंडिया के साथ। ये रेलवे ब्रिज बनने के बाद टूरिज्म एंड बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ईरान हिजाब प्रोटेस्ट। ईरान में सरकार डिसाइड करता है कि वुमेन क्या पहनेगी और क्या नहीं, उसके अगेंस्ट ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गई है। कई लोगों की मौत हो गई और अरेस्ट भी कर लिया गया है। एक्चुअली इस प्रोटेस्ट का रूट कॉज तो काफ़ी डीप है, मगर रिसेंट जो प्रोटेस्ट हुआ है वो महसा अमीनी के मौत के बाद शुरू हुआ था। महसा अमीनी ईरान के सिटीजन थे, ये अपने शहर से ईरान के कैपिटल तहरान में ट्रैवल कर रही थी और जब ये रास्ते में थी इनका सर का जो हिजाब था वो इनके सर को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा था और ये देखकर ईरान के मॉरल रिलीजियस पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। जी हाँ, ईरान में एक प्रॉपर मॉरल रिलीजियस पुलिस है जिनका काम ही है कि औरतें अपने सर प्रॉपरली कवर कर रही है या नहीं, बुरखा या फिर हिजाब पहन रही है या नहीं, ये देखना। और अगर कोई ना पहने तो ये लोग उस औरत को अरेस्ट भी कर सकती है ऑन द स्पॉट। इस टाइप की मॉरल पुलिसिंग ईरान में चल रही है 1980 से। तो महसा अमीनी के अरेस्ट के बाद पुलिस ने बताया, जब उनसे पूछताछ चल रही थी तब उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनके सर में गहरी चोट थी, उन्हें पीट पीट के मारा गया। जब ये न्यूज ईरान में फैल गया तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ईरान की महिलाएं अब अपने बेसिक राइट के लिए लड़ रही है। कजाकिस्तान चेंज हिज कैपिटल अगेन। हाल ही में कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल नूर सुल्तान से चेंज करके फिर से अस्ताना कर दिया। नूर सुल्तान को अब पुराने नाम अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। दरअसल पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। ऐसे में देश की राजधानी का नाम बदलने की बहुत पहले से ही मांग की जा रही थी। अब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने राजधानी का नाम बदलने और अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल करने की संविधान संशोधनी पर हस्ताक्षर कर दिया है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडियन रूपी की प्राइस नीचे गिर गया। इंडियन रूपी 81 से भी नीचे गिर गया। इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक है वैसे ही यूएस में फेडरल रिजर्व है जिसको फेड भी कहा जाता है। तो यूएस के फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट इंक्रीज करने के कारण इंडियन रूपी अचानक डिप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिसी रेट हमारे देश में रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इंडियन रूपी सबसे पहले जुलाई में पहली बार 80 के स्तर पे नीचे हुआ था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ था। इसके बाद अगस्त में ऐसा पहली बार हुआ था जब रुपी 80 के स्तर से नीचे बंद हुआ था और अब पहली बार रुपी ने 81 के स्तर को पार किया।